देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन मांग में तेज उछाल को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दरअसल देश के कई हिस्सों से पेट्रोल डीजल की कमी की बातें सामने आ रही थी, खास तौर से उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी की खबरें आ रही थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में पीएसयू रिटेल आउटलेट्स पर भी भारी भीड़ देखने को मिली है, जिससे ग्राहकों के लिए देरी और प्रतीक्षा समय में वृद्धि हुई है। इस भीड़ ने सरकारी तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई में कमी के अटकले को जन्म दे दिया है। मंत्रालय के मुताबिक यह सच है कि कुछ राज्यों में विशेष स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में जून 2022 की पहली छमाही के दौरान 50% तक पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में ज्यादा मांग देखने को मिली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई निजी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों द्वारा की जाती है और यह जगह आपूर्ति स्थानों यानी टर्मिनलों और डिपो के लिए काफी दूर है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक मांग में पेट्रोल डीजल की मांग में बढ़ोतरी कृषि गतिविधियों के कारण आई है, तो थोक पेट्रोल डीजल के खरीदार अब रिटेल पेट्रोल पंप से खरीदारी कर रहे हैं और इसके चलते भी दिक्कतें बढ़ी हैं। प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियों ने सेल्स घटा दी है, जिससे इसका असर भार सरकारी कंपनियों पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।